नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हैट्रिक लगाने वाले पार्षद, वरिष्ठ भाजपाई, जनसंघ के समय से आपने पूरा विस्तृत इंटरव्यू देखा है श्री शिव स्वरूप जी महर्षि का, लेकिन अब वो सिर्फ न सिर्फ एक पार्षद महोदय हैं बल्कि वो अब इस नवगठित बोर्ड में उपाध्यक्ष हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका अपनी इस जीत पर जब उन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो आज देखते हैं स्टूडियो में वो कैसे अपना पहला संदेश देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और लगातार मेरे को तीसरी बार जिता करके इस सदन में भेजा, और सदन में पार्षद ही बना के नहीं भेजा, मेरे को उपाध्यक्ष बना करके भेजा। तो मैं सभी वार्डवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और दूसरा धन्यवाद मैं पुष्कर के नागरिकों का करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया और हमारे कमल जी पाठक को चेयरमैन बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर की पूरी जनता को देता हूँ। लेकिन इसमें एक छोटा सा हास्य भी निकल करके आता है कि आपने हैट्रिक लगाई, तीसरी बार आप जीते, और तीनों ही बार कमोबेश आप अविवाहित प्रतिद्वंदियों से ही जीते, क्या संयोग है ये? देखिए शरद जी, जब चुनाव स्टार्ट होते हैं, टिकट का वितरण होता है, जब मेरा नाम आ जाता है सामने का शिव स्वरूप महर्षि फलाने 16 नंबर वार्ड से खड़े होंगे जी। तो कोई उम्मीदवार ही कांग्रेस को नहीं मिलता है, और कांग्रेस चारों ओर इधर उधर हाथ पैर मार करके मेरे सामने किसी न किसी को जबरदस्ती बलि का बकरा बना करके मेरे सामने खड़ा कर देती है। और तीनों ही वार विवाहित, क्योंकि विवाहित लोग होते हैं वो तो अनुभव वाले होते हैं, वो समझते हैं कि हार के हमारी इमेज खराब होगी, तो इसलिए कंवारों को पकड़ के जबरदस्ती मेरे सामने खड़ा कर देते हैं, इसलिए मेरे सामने कुमारे आते हैं। खैर, ये तो एक हाँसी की बात थी सर, लेकिन चूंकि एक गंभीर प्रश्न है, अब बोर्ड स्थानीय जो है वो भाजपा का है, दूसरी बार राज्य सरकार कांग्रेस की है, अब चर्चाओं में चल रहा है कि आपकी बोर्ड की माली हालत काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या कुछ विजन है अब आपका, कैसे ये खजाने वगैरह ये सब कैसे सेट होएगा ये सब? देखिए शरद जी, हम खजाने को भर करके काम करते हैं, हम खजाने का वो नहीं करते हैं कि खजाना भरा हुआ उसको खर्च करें, और हम खुद आज बढ़ाएंगे और हम खुद खर्च करेंगे। मेरे को बड़ा ताजुब होता है कि खजाना भरा हुआ क्या काम का आएगा, विकास के अंदर पैसा लगाओ ने, हमने 5 साल तक जो भी पैसा था सारा हमने कमाया और हमने विकास में लगाया, और अब भी हम कमाएंगे, नगर पालिका की आय बढ़ाएंगे, और जितना हो सके जनता के विकास का, वार्डों का विकास का लिए हम पैसा खर्च करेंगे। हमारे को खजाने से कोई मतलब नहीं, ये तो एक कांग्रेस की डिंडोरापंथी है कि खजाना खाली है, खजाना क्यों क्या करना है, खजाना को जेब में डाल के हमारे को थोड़ी ले जाना है, खजाना खर्च करेंगे जभी तो खर्च कम होगा, भरा हुआ खजाना क्या काम का, जनता के काम आना चाहिए खजाना भरा हुआ। तो हम जनता के लिए खर्च कर रहे हैं, और जनता के लिए हम आमद बढ़ाएंगे नगर पालिका की, और जनता के प्रत्येक वार्ड के अंदर विकास काम करेंगे। जैसा कि आप पिछले बोर्ड में भी सत्ता पक्ष में ही थे, अब इस बार आपकी भूमिका सत्ता पक्ष में और भी बढ़ जाती है क्योंकि आप अब वाइस चेयरमैन हैं, तो क्या टॉप एजेंडा लेकर के सत्ता पक्ष अब अपनी कार्यशैली करेगा, या वो अभी भी जो है आरोप प्रत्यारोप और इनके जवाब ही देते रहेगा? तो कार्यशैली में अभी सत्ता पक्ष की ओर से क्या टॉप 3 या 4 ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आपका बोर्ड फोकस करेगा? शरद जी, हमारा नंबर 1 मुद्दा तो यह रहेगा कि तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता कैसे बची रहे जी। जो वर्तमान में सीवरेज की समस्या जो उत्पन्न हुई उससे कैसा निपटा जाए, और बरसात के साथ जो गंदा पानी सरोवर के अंदर जा रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए, ये हमारी प्रथम मुद्दा रहेगा। हर इसके लिए हमारा पूरा बोर्ड, पूरी सरकार से भी हम मांग करेंगे, सरकार कांग्रेस की है लेकिन इस मामले के अंदर वो करेगी, हर सरकार से हम मांग करेंगे, कैसे भी जाएंगे केंद्र सरकार से भी हम पैसा लाएंगे और इस मुद्दे को हम हल करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 मुद्दा हमारा रहेगा प्रत्येक वार्ड के अंदर साफ सफाई सुचारू रूप से हो, रोशनी की व्यवस्था अच्छी हो, और पूरे नगर के अंदर यात्री आवे तो उनको जैसे पूर्व की भांति मतलब दिखे कि हाँ पुष्कर एक स्वच्छ नगरी है, स्वच्छता का वातावरण तीर्थ यात्रियों को महसूस होवे कि वाकई में तीर्थ स्थान ये है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर ये तीर्थ स्थान दिख रहा है, अच्छा साफ सुंदर सफाई व्यवस्था, ये हमारा रहेगा। प्रत्येक जनता का नक्शा हो, चाहे नामांतरण हो, चाहे कोई भी नगर पालिका के संबंधित कोई भी समस्या हो, हम उसे तुरंत हल कराएंगे, उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे, चाहे किसी भी दल का हो हम बिल्कुल मतलब उसको समस्या को हल करेंगे, इसमें किसी प्रकार की वो ढिलाई नहीं रहेगी हमारे बोर्ड की। चलिए, ये काफ़ी सदैव शब्दों में आपने सुना, नवनिर्वाचित पार्षद साहब जिन्हें हैट्रिक लगाई, उपाध्यक्ष बने, आपको
उज्जवल राजनीतिक जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पुष्कर से, बीजेपी से जीते दूसरी बार और सबसे सर्वाधिक मतों से पुष्कर से अगर किसी की जीत दर्ज हुई है तो वो आप मुकेश कुमावत की हैं। आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, 74% मत आपको मिले और इस शहर में सबसे बड़ी जीत 292 वोट से आप जीते। तो देखते हैं आज पहला इनका स्टूडियो में, पूर्व में इंटरव्यू में मैंने आपको इनकी विस्तृत भूमिका बताई थी, लेकिन अब जीतने के बाद जबकि दूसरी बार जीते हैं तो इनका क्या पहला संदेश रहेगा, जानते हैं श्री मुकेश कुमावत जी से। धन्यवाद सरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को स्टूडियो में बुलाया और ये एक मौका दिया कि मैं मेरे वार्डवासियों का और मेरे पुष्कर वासियों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट कर सकूं। तो जो मैं इतने भारी मतों से जीता उसका सारा श्रेय मैं मेरे वार्डवासियों को देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके और मेरे पे जो आशीर्वाद प्रदान किया है, सबसे पुष्कर में सबसे भारी मतों से मेरे को विजय बनाकर भेजा है, इसके लिए मैं मेरे पूरे वार्डवासियों को आभार प्रकट करता हूँ और मैं मेरे पूरे पुष्कर वासियों का भी आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने हमारे बीजेपी का बोर्ड बनाने में पूरा विश्वास जताया और पुनः कमल जी पाठक को चेयरमैन बनाने में पूरा सहयोग किया। अब आप दूसरी बार पार्षद बन गए, पूर्व पालिका बोर्ड जो था उसमें आप उपाध्यक्ष रहे, अभी अब आप एक वरिष्ठ पार्षद हैं क्योंकि आप एक ऐतिहासिक जनादेश लेकर के आए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी अब आपके वार्ड को लेकर के, और चूंकि आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपके बोर्ड को लेकर के क्या वार्ड और शहर को लेकर आपकी प्राथमिकताएं? मेरे वार्ड को लेकर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि पूर्व की बातें मैं इस बार भी एक्टिव रहूँगा और नगर पालिका से संबंधित कोई भी वार्डवासियों का काम होगा उसका तुरंत मैं निदान करूँगा, चाहे वो मेरे को कभी भी फ़ोन से या कैसे भी मेरे को जो भी नगर पालिका से संबंधित कोई कार्य बताएंगे मैं तुरंत उनका कार्य करूँगा। और रही बात बोर्ड की और पुष्कर वासियों की, तो मैं सबसे पहले मेरे बोर्ड की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पुष्कर में सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर की जो पवित्रता है उस पर पूरा ध्यान देंगे, उसके लिए जो सीवरेज की जो समस्या है उसको प्राथमिकता से उसको पूरा करेंगे कि इसमें जो बारिश के दौरान जो गंदा पानी जाता है वो नहीं जाए, उसको हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे। दूसरा, सफाई व्यवस्था को लेकर भी हम पिछली बार की भांति इस बार भी हम और नए आयाम स्थापित करेंगे, जो सफाई व्यवस्था है पूर्व की भांति और उससे भी अच्छी हो, इसके लिए हम जो भी उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। साथ मौजूद है इस समय श्री महेंद्र सिंह खंगारोत जो वार्ड 17 से अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, देखते हैं इस जीत के बाद उनका पहला क्या संदेश रहता है अजय मेरू स्टूडियो से। सर नमस्ते, फर्स्ट तो पहली बार आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। अनदाता पुष्कराज और मेरे आराध्य कार्टून रेस और समस्त वार्डवासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही प्यार स्नेह हमेशा मेरे पे बना रहेगा और सिर्फ उनकी सेवा पे मैं खरा उतरूँगा। और ये जो मुझे आज जीत मिली है, जनता का आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। जो भी वार्डवासियों के जो मेरे को काम बताएंगे उन सबको मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा और हमेशा उनकी सेवा में रहूँगा और मुझे आशा है कि ऐसा ही प्यार स्नेह मेरे पर हमेशा बना रहेगा।